अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ बिल्कुल ही डिफरेंट चिकन कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जो नॉर्मल हम चिकन कबाब बनाते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट और बहुत इजी और क्विकली बन जाते हैं और टेस्ट में तो मैं कहती हूँ शानदार और लाजवाब बनते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए जल्दी से बनेंगे अपनी रेसिपी की जानिब। ओके, सो फॉर दिस चिकन कबाब मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया और उसके छोटे 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 से चिकन चंक्स मैंने काट लिए हैं। याद रखिएगा, चिकन कीमा हमें नहीं चाहिए, इसके बिल्कुल छोटे छोटे से पीसीस में हमने इसको कट करना है। ओके, तकरीबन एक प्याली मैंने चिकन लिया है, उसके मैंने बाउल में ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 अंडे ऐड किए थे, 1 अंडा मैंने बाद में ऐड किया था। अंडे ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स करेंगे। अंडों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है, 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और इसके अलावा 1/2 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई हरी मिर्च ऐड की है। हरी मिर्च आपने उसी टाइम कूट के ऐड करनी है, ठीक है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया ले लें या चॉप्ड पार्सले ले लें, बारीक कट करके वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसके अलावा इसमें मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर के मैंने मायोनीज़ के ऐड किए थे। मायोनीज़ ऐड करने के बाद अब हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ आप कोई भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, चेडर ले लें और उसको क्रश करके डाल दें। मेरे पास यहाँ पर स्लाइस वाली चीज़ अवेलेबल थी, उसको मैंने, जो 2 स्लाइस होते हैं उसको मैंने बीच में ऐड कर दिया था बारीक कट करके। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि ये सारा बैटर जो है वो अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाए, चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट होकर एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाए। चीज़ बेसिकली आपको जितनी पसंद हो आप उतनी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चीज़ पसंद है तो इसमें आप 3 स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्सअप करने के बाद अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदा आपने बेसिकली थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। मैदा आपने इतना ऐड करना है कि हमारा जो बैटर है वो अच्छा सा बन जाए। बैटर का जो टेक्सचर है वो ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल ही चिकन के साथ लगा हुआ ना हो, इस फॉर्म में इसका जो बैटर है वो आना चाहिए, ना वो थिक हो के वो बिल्कुल ही साथ कोट हो जाए, ना वो रनी हो के वो बहने लग जाए। चिकन कबाब का बैटर हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने पैन में ऑयल ऐड कर दिया है। याद रखिएगा, हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हुआ इसमें हम चिकन कबाब का बैटर ऐड करते जाएंगे। जैसे जैसे आप बैटर ऐड करेंगे उसको स्पून के साथ आप स्प्रेड करते जाएंगे, सेम उसी तरीके से जैसे हम पैनकेक को स्प्रेड करते हैं, राइट। ये याद रखिएगा, 1 कबाब के लिए 1 टेबलस्पून बैटर काफ़ी होगा। और अब हम इसको 2 to 3 मिनट ईच साइड कुक करेंगे। इसको कबाब के बैटर को ऐड करने के बाद फ़ौरन बाद ही आपने इसको छेड़ना नहीं है। जैसे एक साइड से थोड़ा सा कुक होगा फिर हम इसकी जो साइड है वो टर्न कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने एक साइड से कुक होने दिया है और अब मैं इसकी जो साइड्स है वो टर्न करूँगी। अब इसको दोबारा से मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट कुक होने के लिए छोड़ दूंगी। जैसे हमारे कबाब जो कुक हो जाएंगे उन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये चेक करें जनाब, हमारे शानदार, लाजवाब, मज़ेदार, डिफरेंट से चिकन कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। यकीन मानिए बहुत 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 मज़ेदार बनते हैं। इसमें जो हमने चीज़ ऐड की है, मायोनीज़ ऐड की है, उसकी वजह से ये मज़ेदार और डिफरेंट चिकन कबाब बनते हैं। रेसिपी आपने लाजमी ट्राई करनी है, पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा, जल्दी मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।